वैक्सीनेशन दीदी द्वारा तृतीय लिंग समुदाय के लिए विशेष वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। साथ ही तृतीय लिंग समुदाय के लोग समर्थन संस्थान के साथ मिलकर लोगों को जागरूक कर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। वैक्सीनेशन दीदी द्वारा तृतीय लिंग समुदाय के लिए विशेष वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तृतीय लिंग समुदाय के सदस्यों को कोविड-19 का वैक्सीनेशन धमधाना का उप स्वास्थ्य केंद्र में कैंप का आयोजन किया गया। तृतीय लिंग समुदाय से कंचन सेंद्रे ने बताया कि उनके द्वारा पूरे प्रदेश भर में 250 से अधिक तृतीय लिंग समुदाय के सदस्यों को कोविड-19 का वैक्सीनेशन लगाया गया है। कंचन सेंद्रे के अनुसार टीका एक्सप्रेस के नाम से एक वाहन भी तैयार किया गया है, जो लोग वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं पहुंच पाते हैं उनको अपनी गाड़ियों से वैक्सीनेशन कैंप तक ले जाकर उन्हें वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। वहीं समर्थन संस्थान की डॉक्टर कृतिका वैष्णव ने बताया कि समर्थन संस्थान मरिट प्रोजेक्ट के अंतर्गत जिले में कोविड टीकाकरण के ऊपर 12 जिलों में काम चल रहे हैं, जिसमें थर्ड जेंडर, महिला, सेक्स वर्कर, MSM और मानसिक रूप से मंद बच्चे, बहरे, गूंगे, अंधे बच्चों के साथ भी काम कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस संबंध में शामिल लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। थर्ड जेंडर के साथ पे काफी है डॉक्यूमेंटेशन को लेके, क्योंकि बहुत सारे थर्ड जेंडर के पास में उनका आधार कार्ड या राशन कार्ड या गवर्नमेंट जो डॉक्यूमेंट्स मांगती है शासकीय वाला, वो उनके पास नहीं रहता है और उसी के चलते वैक्सीनेशन लगाने में काफी दिक्कतें हैं। फिर भी हमारे प्रयास से हम लोगों ने अभी आज के डेट पे 20 लोगों को लगाया हुआ है और पूरे प्रदेश पे 250 लोगों को हमने कवर किया है जो कोविड का वैक्सीन लगाए हैं। और अभी भी हम लोग समर्थन करके एक प्रोजेक्ट है जो एमराइट प्रोजेक्ट, उनके साथ पे मिलके पूरे प्रदेश में जो लोग छूटे हुए लोग हैं जिनको फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड बूस्टर लगाना है, उनको चिन्हांकित करके हम लोग वैक्सीन सेंटर तक ला रहे हैं। अभी टोटल 250 लोगों को लगा हुआ है जो थर्ड जेंडर कम्युनिटी के लोग हैं और बाकी अभी 10% लोग बचे हुए हैं जिनको हम चिन्हांकित करके वैक्सीनेशन सेंटर तक ला रहे हैं। परेशानी तो काफ़ी जगह पे है जो डॉक्यूमेंटेशन को लेके, वैक्सीनेशन को लेके, जेंडर को लेके। हमने देखा है कि दुर्ग पे, बालोद पे, बेमेतरा पे, यहाँ तक कि रायपुर पे भी काफ़ी समस्याएं हैं और उसके कारण जो लोग हैं अवेयर नहीं हो रहे हैं और आ नहीं रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर तक वैक्सीन लगाने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इसमें और प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है और ये एक स्पेशल ग्रुप है तो इसके लिए एक स्पेशल कैंप लगाने की भी ज़रूरत है ताकि यह समुदाय आए और शासन की जो ये योजनाएं चल रही हैं या फिर जो वैक्सीनेशन करवा रहे हैं उनका फ़ायदा ले सके। जेंडर को लेकर डॉक्यूमेंटेशन पे ये दिक्कत रहता है कि बहुत सारे जो ट्रांसजेंडर हैं वो एज ए क्रॉस डिसर और फिर उनके जो मेल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो एज ए मेल रहते हैं और फिर इसमें ऑप्शन ना होने के कारण, जैसा मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर का ऑप्शन ना होने के कारण भी दिक्कतें हैं। लेकिन अभी आज मैंने देखा कि इस पर थर्ड जेंडर का भी ऑप्शन है तो ये बहुत अच्छी बात है कि अब थर्ड जेंडर के ऑप्शन पे भी लोगों को वैक्सीनेशन लगा। सर, से हम लोग इस वैक्सीनेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। सर, हमारी संस्था का नाम समर्थन है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट। हम लोग जो सरकार की योजनाएं होती हैं उसको बेटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करते हैं और हमें एक प्रोजेक्ट मिला है एमराइट प्रोजेक्ट। इसमें हम लोग वैक्सीनेशन को जितनी जल्दी हम लोग मैक्सिमम लोगों को कवर कर सकें वो कर रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो ख़त्म हो चुकी है और अभी सिर्फ कोवैक्सीन बची हुई है जो अभी 31 दिसंबर में जिसकी एक्सपायरी है और वो वैक्सीन 43,000 बची है हमारे डिस्ट्रिक्ट में। उसको जितने जल्दी हम यूटिलाइज़ कर सकें, जिसको कोवैक्सीन लगा है उसी को कोवैक्सीन लगेगा, तो वो बेनिफिशियरीज़ को ढूंढना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। और जो लोग ऑलरेडी लगवा चुके हैं उनको थर्ड डोज, जो प्रिकॉशन डोज लगना है, बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।